दोस्तों, आज भी दुनिया में अनेक ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है, और इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमय स्थानों की वीडियो लाते रहते हैं। आज की वीडियो जिस स्थान के बारे में है, वो एक ऐसा स्थान है जहां कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल PRP.org में। दोस्तों यदि मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा स्थान मौजूद है जहाँ कभी कोई नहीं मरता, तो आप अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचने के बारे में जरूर सोचेंगे। दोस्तों एक विदेशी लेखक जेम्स हिल्टन ने अपनी पुस्तक लॉस्ट हेरोइज़म द लीजेंड्स ऑफ शांग्रीला में एक ऐसे स्थान का वर्णन किया है जो है तो इसी दुनिया में परंतु इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, और वहाँ पहुँचना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। अलग अलग संस्कृतियों ने इस स्थान को अलग अलग नाम दिए। किसी ने इसे ज्ञानगंज मठ कहा तो किसी ने शांग्रीला। तिब्बत में इसी स्थान को शंभाला के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है खुशियों का स्रोत। दोस्तों हिमालय पर्वत प्राचीन काल से ही अपने अंदर अनेक रहस्यों को छिपाए हुए है, और ये अद्भुत शहर भी इसी हिमालय के बीच में बसी हुई एक घाटी है जो 2400 किलोमीटर में फैली है, और ये घाटी तिब्बत और अरुणाचल के बीच में स्थित है। दोस्तों ये स्थान मानवों द्वारा बसाया गया कोई साधारण शहर नहीं है। संभाला का इतिहास बहुत प्राचीन है, और इस नगरी का संबंध रामायण तथा महाभारत काल से जोड़ के देखा जाता है। महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को इसी स्थान के बारे में बताया था और यहाँ जाने के निर्देश दिए थे, जिससे पांडव अपने अंतिम समय में इसी स्थान पर आए थे। दोस्तों यहाँ कोई भी साधारण व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है, यहाँ केवल वही लोग पहुँच सकते हैं जिन्होंने अध्यात्म और ध्यान शक्ति के बल पर अपने आप को ज्ञानगंज के काबिल बना लिया हो। ज्ञानगंज में रहने वाले सिद्ध पुरुष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, क्योंकि उन्हें योग शक्ति और आयुर्वेद विज्ञान का पूर्ण ज्ञान होता है। आयुर्वेद विज्ञान और योग शक्ति के द्वारा वे अपने शरीर को हजारों वर्ष तक जिंदा रख सकते हैं। दोस्तों एक इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसके शरीर में सेल्स बनना बंद हो जाती हैं। धीरे धीरे उसके अंग कमजोर होने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। परंतु ज्ञानगंज में रहने वाले ऋषि मुनियों को आयुर्वेद और योग सिद्धांत का पूरा ज्ञान होता है, जिससे वे अपने शरीर को हजारों वर्ष तक जिंदा रख पाते हैं। दोस्तों भले ही ये स्थान इसी दुनिया में मौजूद है और बहुत से लोग यहाँ पहुँचना भी चाहते हैं, परंतु अब तक ज्ञानगंज तक पहुँचने का मार्ग कोई नहीं खोज पाया है। जब नासा को ऐसे स्थान के बारे में पता चला तो नासा ने अपने सैटेलाइट हिमालय के ऊपर लगा दिए, परंतु अपने सैटेलाइट के द्वारा भी नासा इस शहर को नहीं खोज पाया। परंतु अपनी खोज के दौरान नासा को हिमालय में एक ऐसा स्थान प्राप्त हुआ जहां उसके उपकरण उसे कुछ विशेष संकेत दे रहे थे, मानो जैसे वहां ऊर्जा का कोई बहुत बड़ा स्रोत हो। दोस्तों केवल हिंदू धर्म में नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी ज्ञानगंज का उल्लेख मिलता है। बहुत से लोग मानते हैं कि बुद्ध ने अपने शिष्यों को ज्ञानगंज के बारे में बताया था, क्योंकि बुद्ध को अपने अंतिम समय में समय के चक्र का ज्ञान हो चुका था। आज भी बौद्ध धर्म के अनेक धर्म ग्रंथों में ज्ञानगंज तक पहुँचने के मार्ग को एक नक्शे में दर्शाया गया है, परंतु इसे समझना साधारण मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। दोस्तों जब दलाई लामा जी से इस स्थान के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि ये कोई साधारण स्थान नहीं है जहां कोई भी व्यक्ति पहुंच जाए, यहां पहुंचने के लिए बहुत तप और साधना की आवश्यकता होती है। दोस्तों अनेक प्राचीन धर्म ग्रंथों में वर्णित कथाओं के अनुसार जब युद्ध, भुखमरी और बढ़ते हुए पापों के कारण पृथ्वी का विनाश होने वाला होगा, ठीक उसी समय हिंदू धर्म में वर्णित भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म इसी स्थान पर होगा, और वह अवतार पृथ्वी को सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शित करेगा। दोस्तों जिस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था, उस समय हिमालय पर तैनात एक अंग्रेज ऑफिसर LP फेरेल ने अपने अनेक इंटरव्यू में बताया है कि जिस समय वो हिमालय पर तैनात थे, हिमालय के अनेक स्थानों पर उन्हें कुछ दिव्य शक्तियों का अनुभव हुआ जो उन्हें आज के पहले कभी नहीं हुआ था। दोस्तों इस अद्भुत घाटी का कुछ भाग चीन देश के अंतर्गत भी आता है, और कुछ चीनी सैनिक इस घाटी को ढूंढने का प्रयास कर भी चुके हैं, परंतु उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिली है। दोस्तों इस स्वार्थी और परेशान दुनिया से दूर कोई एक ऐसा स्थान भी है जहां किसी को कोई दुख कोई तकलीफ नहीं है। ये एक सुंदर कल्पना भी हो सकती है और वास्तविकता भी, परंतु ये कल्पना भी सोचने में कितनी सुंदर लगती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, ज्ञानगंज जैसी कोई जगह दुनिया में मौजूद होगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।